हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2018 और 12 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज 12 अक्टूबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर्स शो। लेट्स बिगिन विद अ ब्यूटिफुल थॉट एंड द थॉट इज वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। अर्थात सुबह में एक छोटा सा विचार, सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। नाउ लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान स्पाई एजेंसी ISI। एंड द न्यू चीफ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। Now let me give you the basic information about Pakistan. Capital of Pakistan is Islamabad. Currency is Pakistani rupee, and the PM of Pakistan is Imran Khan. President of Pakistan is Arif Alvi. Now let's discuss the same question in Hindi. Pakistani Khufiya Agency ISI के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये व्यक्ति जिन्हें नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ पाकिस्तान इन द मैप ऑफ वर्ल्ड विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द येलो कलर। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नक्शा विश्व के मानचित्र में जो पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। एंड द क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर इज 32nd वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस बीइंग कंडक्टेड। इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन गुरुग्राम। अर्लियर इट वॉज नोन एज गुरुगांव। 32वां विश्व थोक बाजार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। गुरुग्राम इज इन हरियाणा। नाउ लेट मी शो यू द मैप ऑफ हरियाणा ऑन द मैप ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन हाईलाइटेड विद द डार्क रेड कलर। अब आप देख सकते हैं हरियाणा का मानचित्र जो भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। CM is Manohar Lal Khattar and the governor of Haryana is Satyadev Narayan Arya. Haryana ki rajdhani Chandigarh hai. Haryana ke mukhyamantri Manohar Lal Khattar hai. Haryana ke rajyapal Satyadev Narayan Arya hai. Now let's discuss the next question, that is question number 3. Where will one of its kind political training institute be set up? It will be set up in Ghaziabad, a district of Uttar Pradesh. अपनी तरह का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला जाएगा? और ये खोला जाएगा गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। Now let me give you the basic information about Uttar Pradesh. And this is the map of Uttar Pradesh, which has been highlighted with the dark red color in the map of India. And it is the most populated state in our country. Capital of Uttar Pradesh is Lucknow. CM of Uttar Pradesh is Yogi Adityanath. Governor of Uttar Pradesh is Ram Naik. Uttar Pradesh ki rajdhani Lucknow hai. Uttar Pradesh ke mukhyamantri Yogi Adityanath. Uttar Pradesh ke rajyapal Ram Naik. और ये भारत का सबसे घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैज़ बीन द 2+2 डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हेल्ड? एंड इट हैज़ बीन हेल्ड इन कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? और ये आयोजित की गई है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में। Now let me show you the map of Australia on the sea. This is an island nation which has been highlighted with the dark green color.
Now let me give you the basic information about Australia. Capital of Australia is Canberra. Currency is Australian dollar. And the PM of Australia is Scott Morrison. Australia ki rajdhani Canberra hai. Australia ki mudra Australian dollar hai. Australia ke pradhan mantri Scott Morrison hai. Now let's discuss question number 5. Who has been appointed as MD and CEO of IDBI Bank? MD, Managing Director, and CEO, Company Executive Officer. And the person who has been appointed is Rakesh Sharma. IDBI ke naye prabandh nideshak aur company karyakari adhikari ke roop mein kon niyukt kiye gaye hain? Aur ye hain Rakesh Sharma jo is pad par niyukt kiye gaye hain. Now let me give you the basic information about IDBI. It was established in the year 1964 on 1st July 1964, and its headquarter is in Mumbai. IDBI 1 July 1964 को स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. Now let's discuss next question, question number 6. Who has won the Deeming Prize for 2018 and it has been won by Indus Towers? 2018 का Deeming Prize किसने जीता है और ये जीता गया है Indus Tower के द्वारा. This is the world's largest telecom tower company outside China. This is Indus Towers and it has been awarded for total quality management, that is TQM practices. Indus Tower दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार टावर कंपनी है लेकिन चीन के बाहर. Now let's discuss question number 7. What is the name of cyclonic storm which hit Odisha and Andhra Pradesh coast? And the name of this cyclonic storm is Titli. उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? इस तूफान का नाम है तितली. Let's discuss question number 8. What is the theme of International Day of the Girl Child celebrated on 11th October? And the theme of this day is With Her a Skilled Girl Force. 11 अक्टूबर 2018 को मनाया गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या था? इसका विषय था उसके साथ एक कुशल लड़की बल. Now let's discuss question number 9. Who has been named as Miss Trans Queen India 2018? And this is Veena Sendre from Chhattisgarh. Miss Trans Queen India 2018 किसे नामित किया गया है? और ये हैं Veena Sendre जो छत्तीसगढ़ से हैं. Now let's discuss a few questions from the world of sports. खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न. Which will be the first African country to host any Olympics? And this will be Senegal. अफ्रीका का कौन सा देश किसी भी ओलंपिक खेल की मेजबानी करने वाला पहला देश बनेगा? और ये है सिनेगल. सिनेगल विल होस्ट 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स. सिनेगल 2022 के युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा. क्वेश्चन नंबर 11. हु हैज क्लिंच्ड द मेडन गोल्ड इन आर्चरी एट एशियन पैरा गेम्स 2018 एंड द पर्सन हु हैज वॉन दिस इज हरविंदर सिंह इन द रिकर्व इवेंट ऑफ आर्चरी. एशिया पैरा खेलों में तीरंदाजी में पहला स्वर्ण किसने जीता है? और ये जीता है हरविंदर सिंह ने जो रिकर्व इवेंट तीरंदाजी में जीता गया है. दैट्स ऑल इन दिस करंट अफेयर शो. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म. थैंक यू. धन्यवाद.